हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन में आप कैसे स्क्रीन पिनिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन पिनिंग को सेट कैसे कर पाएंगे और कर सकते हैं मोटो G34 फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग को आप सेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना है। स्लाइड करते ही मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी पे चले जाना है, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऐप पिनिंग। तो इसको ऑन कर देना, जहाँ से इस तरीके से ऑन करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी स्क्रीन पे पिन लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से पिन पे क्लिक कर देंगे, गो इट कर देंगे। और गो इट करते ही स्क्रीन पिनिंग आपके फ़ोन पे सेट हो जाएगा, जिसको आप बैक नहीं कर सकते क्योंकि हमने पिन लगा दिया है। और आप इसको हटाना चाहें तो आप इसमें से बैक बटन एंड इन दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं, तो आपका जो ऐप पिनिंग है अनपिनड हो जाएगा, इसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन पिनिंग को आप सेट कर सकते हैं ऑन करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली।